अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू नेटवर्क व्लॉग। तैयार भी फिलहाल टाइम है 3:50 बनकर आ चुकी है शहर हमेशा की तरह अंडा और साथ आज चने भी हैं। पता नहीं चने कैसे चेक करते हैं, अभी तक कुछ खाया नहीं, सारा ठंडा हो गया। मैंने देर इतनी लगाई है उठने में क्योंकि मुझे आई हुई थी बड़ी सख्त नींद। चने यार बड़े मजे के हैं, बाकी फिलहाल सारे कर लूँ आपको बाद में दिखा। तो मेरा गला खराब हो गया, कल चूरन खाया ना उसी से गला खराब हो गया मेरा। और जी भी फिलहाल सारी मैंने कर ली है, थोड़ी देर में भी फजर की जाने और जिनकी नमाज पढ़ के मैं सो जाऊंगा। मुझे नींद बड़ी सख्त आई हुई है और साथ में छोटा भाई भी सो चुके हैं अली नींद में बेचारा अभी अभी सो उठा है बाकी अब आपका सुबह दिखाता हूँ उठ के, बड़ी सख्त नींद आई हुई है मुझे। गाइस आपका अभी मैं उठ चुका हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू पता नहीं यार मैं क्या बोलने लगा हुआ था। मैं बोल यार अभी मैं उठ चुका हूँ, फजर जोहर की नमाज पढ़ने लगा हूँ, ट्यूशन आज मैं को नहीं गया, गाड़ी पढ़ लूंगा यार थोड़ा सा बता क्या मैं दिल नहीं था कार ट्यूशन जाने का। मैं फिलहाल चेयर मैंने लगा लिया इधर, पढ़ते हैं नमाज। आपको नमाज पढ़ने के बाद दिखाता हूँ किधर कोई मैंने हो सकता है आज अपनी पैंट जाऊँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। फिर अभी फिलहाल मैं बाहर निकला था अपनी मामा लोगों को, यहाँ पे जूनियर क्लब है वहाँ पे बच्चों के कपड़े कपड़े लेने के लिए, मेरी छोटी कजन कपड़े लेने हैं इसलिए वहाँ पे उनको उतारा है। फिलहाल मैं वापस जा रहा हूँ, रस्ते में से दूध और पकौड़े लेने हैं, अपने लिए नहीं लेने क्योंकि मेरा तो होता है भाई सही की बात है। फिर वो देख के फिर मोटरसाइकिल आज दुलवाना यार, फाइनली है ना कोई गंदा हो जाए ना मेरा मोटरसाइकिल का कोई हिसाब नहीं है। आपको मैं बाद में आज दिखाता हूँ। बाबा जी अभी फिलहाल आपके भाई ने नान पकौड़े और ये क्या इसका नाम है दूध वगैरह ले लिया, जो कि अभी मैं जाकर दे दूंगा और फिर मैं जाऊंगा मोटरसाइकिल दिलवाने और फिर आपको मैं तब बाकी मैंने टोपी पहनी हुई बताना मैं कैसे ला दूँ, बाकी ये पकौड़े शकौड़े दे दूंगा आपको बाद में। और अभी मैं फाइनली आकर मोटरसाइकिल दिलवाने, सामने वो एंड पे मेरा मोटरसाइकिल खलोता हुआ है, अली सैन साहब ने टोपी पहनी हुई है अली सैन सिंह मेरा छोटा भाई है उसका बहुत प्यारा है ना अली इधर देखी ओए वाह जी वाह। फिलहाल यार अभी अंदर मेरा मोटरसाइकिल वो धुलेगा आपको मैं दिखाता हूँ दुलाने वक्त, शर्म आ रही वीडियो बनाने में लेकिन चलो कौन नहीं अब आपको दुलाने वक्त दिखाऊंगा। तो यार यहाँ पे मैं अपना मोटरसाइकिल भी धुलवाया तो रली साहब अपने ही पता नहीं कहड़े मस्तियों में मगन थे, फुल बाबा जी मतलब नशे ही बना हुआ था अली साहब बाबा जी। बाकी यहाँ पर अभी मेरा मोटरसाइकिल पर पानी शानी मार दिया था, बाकी शैम्पू लगाना था वो भी लगा रहे थे वो भी, और फिर मेरा मोटरसाइकिल फुल चमका देते हैं मोटरसाइकिल चमका के मैं घर ले जाऊँ बाद में, फिर आप लोग बाकी देखो मोटरसाइकिल कैसा मेरा चमकता है। मुझे फिलहाल मोटरसाइकिल दिलवा लिया, चेक करो यार चमक रही है। और बात अगर हालत माड़ी हुई है पीछे से ये टूटा हुआ एक्सीडेंट की वजह से, साथ ये बिल्कुल ठीक है, आगे से लाइट भी टूटी हुई है वो भी एक्सीडेंट की वजह से टूटी थी देखो, लेकिन कोई नहीं अभी सही हो जाएगी, इसके ऊपर मैं वो करवा लूँगा स्टिकर लगवा लूँगा। बाकी चेक करो जी बोलो क्या हुआ है, साइकिल नहीं आपको दे रहे, मैं आपको साइकिल लेके देता हूँ रुक जाओ। बाकी चेक करो यार ये इंजन का पता नहीं क्या इंजन ऑयल लीक होता तो वो ये अभी भी गंदा है, ये मैं जब अभी गारंटी में वैसे मोटरसाइकिल जब ट्यूनिंग वगैरह करवाने जाऊँगा ना तो ये भी सारा बोलूँगा भाई जी थोड़ा मोटरसाइकिल इंजन साड़ा लीक हो रहा है गारंटी में चेते सही करके दो जो भी मसला है। बाकी चेक करो यार है भी चमक रहा मोटरसाइकिल, इतने टाइम बाद इतना साफ मोटरसाइकिल देखा मैंने। बाकी फिलहाल यार आपको बाद में दिखा दूँगा वो जी भी फिलहाल मैं दोबारा मोटरसाइकिल को आपको दिखाता हूँ चेक करो है। लेकिन यार पता नहीं है मेरा दिल नहीं करता अपने मोटरसाइकिल को पहन चो देख के मुझे गुस्सा चढ़ता है, ये तो बिना मोटरसाइकिल और उसका इंजन ऑयल पता नहीं क्यों लीक हो रहा है, ये होंडा वाले ना पता नहीं क्या अजीब ही है। बाकी बिटी को नहीं कराऊंगा तो बाबा जी उनको मैं बाजी कह रहा बाबा जी उनको बोलूंगा कि बाबा जी ये सीन है तोतू को मामा ने यार बंद कर दी है क्योंकि इसने पर्दे के पीछे हर जगह बिठे फिराई हुई थी मजा आई। तो जब मैंने बोला था कि मत ऐसे बदतमीजी किया कर तो इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं। आ जा मैं तुझे नहीं बंद करता, जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा ना ये उड़ के चला जाएगा मुझे पता है, देखा मुझे इसकी हरकतों का पता था। बाकी इसको मैं बंद करने लगूँ अफतारी के टाइम इसको मैं खोल दूंगा, अफतारी के टाइम खोल दूंगा ना यार फिर वही काम। तो ये बोला अफतारी के टाइम तुझे मैं खोल दूंगा, तेरा मेरा प्रॉमिस हो गया बस पक्का हुआ था अफतारी के टाइम तुझे खोल दूंगा, दाना शाना खा ली ठीक है अभी अंदर ही रह
चलो बाकी यार फिलहाल भी मैं लेटने लगूं जरा, फिर जो असर की नमाज में भी थोड़ा सा टाइम आएगा, फिर असर की नमाज पढ़ के आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। पता नहीं जो अफ्तारी में दाल और वो चिकन बनाए ने जो कल बनाया था वो आज बनाया, बाकी आपको बाद में दिखाता हूँ। यार बाबा जी बेजाने हो गए, शुरू रोजा खुल गया उन्हें 6:27 हो गए, चलते हैं मेरी रोजा खुलने के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ अंदर पहुँच के, वॉइस ओवर ही करूँगा वैसे तो। तो यार यहाँ पर फाइनली अफ्तारी हो जाती है और रोज़ा खुल जाता है। यहाँ पे मैं खाता हूँ हमेशा की तरह शुरू में खजूर, क्योंकि आपको पता है यार शुरू में खजूर ही खाते हैं जो कि हमेशा की तरह बहुत हेल्दी। और बाबा जी इन खजूर में कीड़े भी आए थे और मुझे बाद में पता चला मैंने ऐसी खजूर खा ली थी, भावे मेरी वाली खजूर में भी कीड़े हों। बाकी ये सारी अफ्तारी थी आज हमेशा की तरह, दही भल्ले और चिप्स वगैरह। फिर मैं दही भल्ले लेता हूँ और यार मुझे दही भल्ले बहुत फिट लगते हैं अफ्तारी में। दही भल्ले मैं दो दो प्लेटें खाता हूँ रोज़, अभी भी मैं दो प्लेटें खाता हूँ दही भल्ले की, फिर खा के मैं चले जाता हूँ ऊपर। बाकी फिर आप लोग देखो आगे से। तो यार अभी मैं सहरी कह रहा हूँ अफ्तारी करके ऊपर, आज मुझे फिलहाल मीठा खाने का दिल कर रहा था मेरा, इसलिए मैंने कहा चलो चॉकलेट खा लेते हैं, डेयरी मिल्क, डेरी मिल्क इज वेरी ब्यूटीफुल एंड टेस्टी। अब मैंने कुछ खाने के लिए अपने लेने जाऊंगा, घर दही भले चिप्स ही हाले खाए हैं, तब आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर तक जाऊंगा, सब आपको दिखाता हूँ। बाबा जी अभी फिलहाल मैं निकल चुका हूँ बाहर अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने यार, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है मैं क्या खाऊँ, मुझे ढूंढेंगे अभी क्या खा सकते हैं। फिलहाल छोटा भाई भी मेरा मेरे साथ है, यस फिलहाल यार रोड पर पहुँच गए, देखते हैं अब क्या लूँगा, मुझे कुछ खास पता तो नहीं है वैसे कि क्या लूँ, तो क्या नहीं पोटे तुम से खाने को दिल नहीं है, नहीं तो ये साथ ही लगे हैं यहाँ से ले लेता। फिलहाल देखते हैं यार अब क्या मैं लेता हूँ आपको, अब मैं जो भी लूँगा उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यार अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर चीज़ें सारी लेके, मैंने वापस भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने एक हाथ में ये पकड़ा हुआ था, एक हाथ में साइकिल में चलाया था, वीडियो के साथ से बनाता। तो बाबा जी ये मैं लाई हूँ बर्गर स्टूडेंट वाले का, जो कि बहुत हैवी होता है, उधर तीनों तीन देना मैं भाई से सर, लेमन सोडा लाई हूँ जो थोड़ा सा पी लेते हैं मज़ेदार। और साथ बाबा जी बर्गर जो कॉम्बिनेशन है ना इनका बहुत हैवी होता है, इससे साथ ही हाजमा इसे खाओ। बाबा जी एंड है इसका शामी बर्गर जो है ना एंड के एफ सी के बर्गर, इसके आगे पीछे पा देते हैं, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है ये फास्ट फूड वगैरह, इस सारी चीज़ें पसंद है। बाकी ब्लॉग यार यहाँ प्लान करते हैं, बाकी तो नुबड़े प्लेयर इंसान मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।